नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ येस बैंक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कहना है कि येस बैंक नो बैंक बनने वाला है। हाँ, आपके बात सही भी है और कुछ गलत भी है। तो मेरे हिसाब से इस बैंक में अभी जो सिनेरियो है, मेरे हिसाब से जो मैनेजमेंट, नया मैनेजमेंट टीम यहाँ पे काम कर रहा है, उस हिसाब से कंपनी फिर से खड़ा हो सकता है। देखिए, खड़ा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे वो अलग बात है। मेरे हिसाब से इस तरीके से डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए, उससे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा टेक्निकली चार्ट पैटर्न में एक बहुत बड़ा आप मतलब अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड में जाने के लिए एक जगह पे खड़ा हुआ है। तो कौन सा साइड में जाएगा, तो एक टेक्निकली एनालिसिस में यहाँ पे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस कंपनी ने जो अपडेट दिया वो धमाका जैसा था, तो सारे पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, तो अराउंड आप देखेंगे तो 5 दिनों में करीबन 13.5% तक तेजी देखने को मिला है। 6 मंथ में करीबन 38%, 1 साल में 46% रिटर्न दिया। चलो इतना तो ठीक था, ठीक ठाक था। अभी 5 साल में इसका हालत देखेंगे तो 94% क्रैश। देखिए, कंपनी एक टाइम बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट का हुआ 2005 में, तो 2005 से देखा जाए तो कंपनी कितने शानदार एक परफॉर्मेंस कर रहे थे। उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरावट। देखिए, हम भी आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करके 20 साल तक छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि 20 साल तक उस कंपनी को देखना ही नहीं है क्या, उस कंपनी क्या कर रहा है। देखिए, अगर जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर 20 साल तक होल्ड करके रखे हैं, उनको तो यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है वो तो करीबन 2000% का रिटर्न मिल चुके थे। फिर भी आज कितना हालत है, आज एकदम ना के बराबर रिटर्न, मतलब लॉसेस में चल रहा है शायद। तो आपको हमेशा कंपनी को ट्रैक करना होता है। एटलीस्ट आप कंटिन्यू ट्रैक ना करें, आप एटलीस्ट हर क्वार्टर में रिजल्ट आने के बाद ट्रैक कर लीजिएगा, तभी आपको सब कुछ डेटा मिल जाएगा। तो चलो, इस कंपनी में कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आया वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी जानते हैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट शुरू हो चुके हैं। क्वार्टर 3 का रिजल्ट में इस कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, चलो मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो इंटरेस्ट, सॉरी, कंपनी का टोटल इनकम, इनकम कहाँ से आते हैं, कंपनी के इंटरेस्ट से। कंपनी जो मार्केट में जो पैसा लोन के हिसाब से बांटते हैं, उस हिसाब से कंपनी को मिलता है इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट से कंपनी का अर्निंग होते हैं, तो इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा अर्निंग हुआ है। उसके बाद कंपनी का इन्कम ऑन, यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट, कंपनी खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान के चलिए येस बैंक खुद स्टॉक मार्केट में निवेश करके रखे रखे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट फंड के ऊपर भी निवेश करके रखते हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी इनकम होते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर जो इनकम हुआ वो करीबन 7,01,500, इसका मतलब क्या है, करीबन करीबन यहाँ पे लाखों में फिगर है। तो लाखों में फिगर होने के कारण कंपनी का टोटल फिगर दिखा जाएगा 7,115 करोड़। तो इतना इनकम कंपनी का हुआ है। पिछले बार कितना था, पिछले बार था 6,394 करोड़। तो ये भी अच्छा खासा इनकम था। पिछले सालों में क्या था, पिछले सालों में था 5,632 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो एक इनकम है, वो इनकम के हिसाब से कंपनी इस बार अच्छा खासा इनकम का ग्रोथ किया। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस क्या हुआ। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया। जैसे कंपनी का इस बार एक्शन हुआ 6,101 करोड़ का, पिछले बार कितना था 5,603 करोड़ का टोटल एक्सपेंस था। पिछले साल में क्या था, 4,901 करोड़ का। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो किस तरीके से इनकम और एक्सपेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो टोटल देखिए, यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो, उसके बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ तो उतना खास प्रॉफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी के प्रोविजन बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि प्रोविजन, प्रोविजन क्या होते हैं। मान के चलिए बैंक ने जितने सारे लोगों को लोन दिया,
उस लोन कितनी वापस आया बैंक के पास, वो ही माना जाता है प्रोविजन। मतलब कितने पैसे अभी तक मार्केट में पड़े हुए हैं जो पैसा वापस आने का चांसेस ना के बराबर है। मतलब लोगों ने लोन तो लिया मगर लोन चुका नहीं पाया और उसका बिजनेस बंद हो गया, शायद उसका उन्होंने जिस कारण के बेसिस में लोन लिया था वो लोन डिफॉल्ट हो गया। तो यही इसी को बोला जाता है प्रोविजन। तो प्रोविजन देखना है तो कितना बढ़ चुके हैं, तो देखिए प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए तो 844 करोड़, और पिछले बार था 582 करोड़, और पिछले साल में था 374 करोड़। इसका मतलब प्रोविजन दुगना से भी ज्यादा हो गया पिछले सालों से। यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस में इस स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। फिर भी इस कंपनी में एक पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, कंपनी के प्रॉफिट ऑब्वियसली कम हो चुके हैं। प्रॉफिट के मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 51 करोड़ का प्रॉफिट किए, जो पिछले बार था करीबन 152 करोड़, पिछले साल में था 266 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ जो प्रॉफिट का रेशियोज है वो बहुत बहुत कम हो चुके हैं मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली 4 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, 5 टाइम्स। मगर एक पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा वो है कंपनी का एनपीए। एनपीए को बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, जो एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। मान के चलिए बैंकिंग का एसेट क्या है, बैंक ने जो लोन बांटा उस वो ही चीज बैंक के लिए एक एसेट है, और वो ही लोन मार्केट में पड़े हुए हैं और वापस नहीं आ रहा है, उसको बोला जाता है नॉन एनपीए। तो एनपी कितना परसेंटेज कम किया वो देखना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खास है। तो 1.30 ऑब्वियसली कम हुआ, फिर भी उतना कम भी नहीं है, पिछले बार तो 3.60 था, पिछले साल में तो 5.29 था। देखिए यहाँ पे मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा, कंपनी एनपीए को एकदम ना के बराबर लेके आए। तो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है कुछ पॉइंट्स नेगेटिव है, उस तरीके से कंपनी डेट अभी रिजल्ट पब्लिश किया है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियोज है आप देखेंगे तो पहले प्रॉफिट ज्यादा होते थे, अभी प्रॉफिट कम हुआ, फिर भी इस कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियोज है वो यहाँ पे कम देखने को मिला। अभी यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, कोविड के सिचुएशन के दोनों टाइम में कंपनी ने लॉस किया, कंपनी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ एक साल में रिटर्न दिया, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। आपको मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न अभी दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का इन्वेस्टर देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस ने अच्छा खासा माल यहाँ पे होल्डिंग किया, पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार बहुत ज़्यादा माल उठाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़े होने वाले हैं, क्योंकि प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने करीबन करीबन डबल के आसपास यहाँ पे होल्डिंग उठा चुके हैं। प्रोमोटर के पास तो कोई भी होल्डिंग नहीं है, प्रोमोटर तो टोटली माल बेचकर भाग गया। अभी एफआईएस ने देखिए अच्छा खासा माल उठाया, और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, और उसके बाद पब्लिक के पास है। तो चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, चलो मैं आपको बता दूं, चार्ट पैटर्न बता रहा है कि ये जो रेंज है यहाँ पे देखिए 1 वीक के कैंडल है, आप ध्यान से देखिएगा 1 वीक का कैंडल है। उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे नीचे जो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट था उस सपोर्ट को बार बार टच किया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस तक गया। तो अभी देखिए आप कहेंगे सर फिर से क्या ऊपर जा सकते हैं, देखिए मैं तब तक वेट करूंगा जब तक इस कंपनी रिवर्सल करके अपसाइड ना दिखाए। अपसाइड दिखाने के बाद भी फिर भी देखिए यहाँ पे एक बिग आपको क्या मिलेगा, फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब 20 लेवल को अगर क्रॉस करे और अपर साइड में जाए तो 30 में फिर से वो रुकेगा। अगर 30 को वो क्रॉस कर पाए तो एक बहुत बड़ा अपडेट मूवमेंट अब दिखेगा 46 के आसपास। तो इस तरीके से रेंज बन रहा है, तो फिर भी एक रेंज में आपको बता दूं मुझे जो यहाँ पे कैंडल दिखा इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल। तो शूटिंग स्टार का जब कैंडल बनता है तब तो हायर चांसेस होता है वो फिर से डाउन साइड में आने का। अगर देखिए यहाँ से तो रिवर्सल तो किया मगर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब यहाँ से फिर से रिवर्सल करके इस लेवल तक आ सकते हैं। देखिए कब आएगा वो कितना जल्दी आएगा वो कोई नहीं बता सकते, फिर भी एक एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहा है कि बायर से सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मेरे हिसाब से आप इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना। तो मेरे पास इस कंपनी का कोई भी अभी तक हिस्सेदारी नहीं है, पहले तो हिस्सेदारी था, तो मैं जब इसका खराब सिचुएशन आया तो मैं ऑलमोस्ट बोथ शेयर सब कुछ बेच दिया। तो आपके पास भी इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना, और आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।